नमस्कार, मैं उषी खसरा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में ईडी सीबीआई छापा लगातार पड़ रहा है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जैसे चपेट में आई है, मानो कि सिर्फ ईडी के साथ सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि इनकम टैक्स भी बहुत सतर्क हो गई है, इनकम टैक्स बहुत जागरूक हो गई है। इससे पहले ऐसा झारखंड में कभी नहीं हुआ कि एक महीने के अंदर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इतनी ज़्यादा फुर्ती के साथ लगातार छापे पे छापे मारे जा रही है। अब जो बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रेमसर मोटर, आप हमारे जैसा पीछे देख सकते हैं, रांची का बहुत ही जाना माना, मैं कैमरामैन को कहूंगी वो प्रेमसर मोटर को थोड़ा फोकस करें, प्रेमसर मोटर जो कि रांची का सबसे बड़ा कहा जाए कार का मारुति सुजुकी का शोरूम है और रांची का मतलब एक पहचान है, ये लैंडमार्क है। यू नो, अगर आप रांची में या झारखंड में भी किसी से पूछे कि प्रेमसर मोटर कहाँ पर है तो शायद अपने आप में ही एक लैंडमार्क, अपने आप में ही एक पहचान है। इतने बड़े शोरूम में छापा पड़ना, इनकम टैक्स आपको बता दें सुबह 6 बजे से लगातार अंदर में अधिकारी मौजूद है, छापा पड़ रहा है। ऐसा सूत्रों के हवाले से है कि कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज मिले हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उस दस्तावेज से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलने की बातें भी सामने आ रही है। अभी चूंकि सुबह 6 बजे से छापा पड़ रहा है तो खबरें केवल सूत्र के हिसाब से ही आ पा रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें और भी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है कि 2 झोला मोबाइल, जी हाँ, प्रेमसर मोटर के अंदर से 2 झोला मोबाइल बरामद हुआ है और साथ ही मैनेजर से लेकर हर एक वहाँ पे काम करने वाले लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जब पूजा सिंघल का मोबाइल और सुमन कुमार सीए का जब्त हुआ था तो इतने सारे खुलासे हुए थे कि पूरा झारखंड हिल गया था। देखना दिलचस्प होगा जब ये मोबाइल जब्त होगा और इसके डिटेल्स निकलते हैं तब कितने लोगों की रातों की नींद हराम होती है। ऐसी अन्य खबरें भी हैं कि अपर बाजार के बड़े बड़े दुकानदारों के घरों में भी सुबह से इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने सतर्कता दिखाई थी पूजा सिंघल मामले में, उसके बाद जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े डीएमओ को और बड़े बड़े यू नो, आज जैसा हमने इससे पहले आपको खबर दी थी कि जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम के डीएमओ संजय शर्मा को भी समन जारी किया गया है, वो भी बहुत जल्द ईडी के सामने समन हो गया, यानी किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। आपको बता दें, एक खनन मनरेगा घोटाले से जो एक छोटी सी जो चिंगारी निकली थी उसकी आग इतनी आगे तक जाएगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि अब ये आग में अब प्रेमसर मोटर आया है, अगला कौन आएगा। अगले के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ, ऐसे तमाम और पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे और ये प्रेमसर मोटर में आगे क्या कुछ होता है, क्या निकल के सामने आता है, इस इनकम टैक्स की कार्रवाई की पूरी नजर हम पर है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।